सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। कैसे हो आप सभी लोग? एक नया वीडियो लेके आपके सामने फिर हाजिर हूं और आज के वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगा 3 बेस्ट ब्रेकफास्ट रेसिपी फॉर मसल बिल्डिंग। सभी रेसिपीज को बनाते टाइम ये ध्यान रखा गया है कि उनमें पर्याप्त मात्रा में प्रोटीन, कार्ब और फैट होना चाहिए, सो दैट वो आपको पूरे दिन भर एनर्जी प्रोवाइड करे, साथ में आपके मसल बिल्डिंग के प्रोसेस को थोड़ा इजी बनाए। और अगर आप अपने रेगुलर ओट्स, उबले हुए अंडे, दलिया खा के बोर हो गए हो तो आप इन टेस्टी रेसिपीज को जरूर ट्राई करना। आइए अपना वीडियो शुरू करते हैं। फर्स्ट रेसिपी हम बनाएंगे एग टोस्ट, बट मेरे स्टाइल में, जिसमें हमें जरूरत पड़ेगी 4 स्लाइस ऑफ ब्रेड, जिसको हम इस तरीके से कट कर लेंगे। तो बेसिकली कॉर्नर्स कट करने हैं आपको ब्रेड के। आपको हर ब्रेड स्लाइस से बीच के पीस को इस तरीके से निकाल लेना है। ब्रेड अब हमारी कट चुकी हैं, हम बढ़ेंगे अपने अगले स्टेप पे, जिसमें हमें ज़रूरत पड़ेगी अंडों की। 6 अंडे हम यहाँ पे यूज़ करेंगे, जिसमें से 3 मैं होल एग यूज़ करूँगा और 3 एग वाइट। अब हम इसमें ऐड करेंगे लाल शिमला मिर्च, पीली शिमला मिर्च, हरी शिमला मिर्च और प्याज। इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे 2 से 3 चम्मच दूध, थोड़ी काली मिर्च और थोड़ा नमक, और इसको अच्छे से फेंट लेंगे। एग टोस्ट बनाने के लिए पैन हमने गैस पर रख दिया है, जिसमें हम डालेंगे 1 चम्मच ऑयल, जो ब्रेड स्लाइस हमने कट किए थे उसका कॉर्नर हम अच्छे से रख देंगे इस पर। अब हम ब्रेड के बीच में अपना एग मिक्सचर डाल देंगे। अब हम इसमें ऐड कर रहे हैं कद्दूकस किया हुआ पनीर और हम इसमें यूज करेंगे चीज, और फिर से हम इस पे थोड़ा सा एग मिक्सचर डालेंगे। और अब हम इसमें जो हमने ब्रेड बीच से कट की थी उसको इस तरीके से रख देंगे और हल्का सा इसको हम प्रेस कर देंगे ऊपर से, और इसको 3 से 4 मिनट धीमी आंच पे पकने देंगे। अब हम इसको पलट लेंगे। ये देखो कितना अच्छा सा दिख रहा है। और इसी के साथ हमारे चारों टोस्ट हमने बना लिए हैं। एग टोस्ट को हम खाएंगे सॉस के साथ, स्वाद का वादा, पर टेस्टी के साथ साथ ये फिलिंग भी होगा, जिस तरीके से एक कंप्लीट ब्रेकफास्ट होना चाहिए। आप ट्राई जरूर करना एक बार। अगली डिश पे जाने से पहले, जैसे कि हम यहां पे बात कर रहे हैं ब्रेकफास्ट की और कोशिश कर रहे हैं कि जितनी भी डिशेस यहां पे बनाई जाएं वो न्यूट्रिशन से भरपूर होनी चाहिए, जिससे कि आपका पूरा दिन एनर्जेटिक रहे। उसके साथ साथ मैं एक सलाह आपको और देना चाहूंगा कि ब्रेकफास्ट के साथ आप अश्वगंधा खाना शुरू करें, जिसके लिए आप यूज कर सकते हैं मैन मैटर्स की अश्वगंधा गमीज। और ये बाकी ब्रांड्स की तुलना में बेटर इसलिए है क्योंकि इसमें इस्तेमाल किए जाने वाले अश्वगंधा को रूट से एक्सट्रैक्ट किया जाता है, जो एक प्योरेस्ट एंड हाइएस्ट क्वालिटी फॉर्म है।
और इसको बिना अल्कोहल यूज किए एक्सट्रैक्ट किया जाता है। बस अभी में आपको मिलेगा 300 mg अश्वगंधा, जो आपकी स्ट्रेंथ बढ़ाएगा, टेस्टोस्टेरोन लेवल भी बढ़ाएगा, जो आपको मसल बिल्डिंग में मदद करेगा। ये गमीज आपका स्ट्रेस लेवल कम करेंगी और स्लीप क्वालिटी इंप्रूव, जिससे आपकी मसल रिकवरी बहुत बेटर हो जाएगी। एंड द गुड पार्ट इज कि पर सर्विंग में आपको अश्वगंधा के साथ 100% रिकमेंडेड डेली डोज ऑफ विटामिन डी भी मिल जाएगी, जो है 10 mcg, जो आपकी ब्रेन हेल्थ, इम्यूनिटी और बोन हेल्थ को अच्छा रखेगा। आप दो गमीज ब्रेकफास्ट के साथ खा सकते हैं। फॉर बेस्ट रिजल्ट आप इसको 3 महीने तक लगातार खाएं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, क्लिक करके आप प्रोडक्ट चेक करें। सेकेंड रेसिपी हम बना रहे हैं कॉफी प्रोटीन विद राइस केक, और ये रेसिपी उन सभी लोगों को बहुत हेल्प करेगी जो कि अर्ली मॉर्निंग जिम जाते हैं या फिर बहुत ज़्यादा कुकिंग का टाइम नहीं होता। और इसको बनाने के लिए हम 1 ग्लास में 1 स्कूप वे प्रोटीन डालेंगे और इसमें हम बहुत थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे, बहुत थोड़ा सा मतलब 2-3 चम्मच, बहुत ज़्यादा पानी ऐड ना करें, हमें इसका एक थिक पेस्ट बनाना है। और आपका पेस्ट जो है वो इस तरीके से बन जाएगा थिक। अब हम यहाँ पे 200 ml पानी में 1 चम्मच कॉफी मिक्स कर लेंगे और मिक्स होने के बाद हम इस कॉफी को अपने प्रोटीन वाले मिक्सचर में ऐड करेंगे। इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसी के साथ आपकी बहुत अच्छी सी प्रोटीन कॉफी बनके तैयार है। जैसा कि मैंने आपको बोला था, प्रोटीन कॉफी के साथ हम खाएंगे राइस केक, बट खाली सिंपल नहीं, इसको हम थोड़ा टेस्टी बनाएंगे, जिसके लिए हम राइस केक पे थोड़ा पीनट बटर ऐड करेंगे। ऊपर से हम इस पे डालेंगे बनाना। और थोड़ा सिनेमन पाउडर। और ये राइस केक एंड कॉफी प्रोटीन आपके रेगुलर ब्रेकफास्ट से थोड़ा सा अलग होगा, बहुत टेस्टी और जिसको बनाना बहुत ही आसान एंड क्विक है। थर्ड एंड फाइनल ब्रेकफास्ट डिश हम बना रहे हैं मूंग दाल टिक्की, इंटरेस्टिंग, जिसके लिए हमें ज़रूरत पड़ेगी मूंग की दाल की, जो कि 100 ग्राम के करीब है, जिसको हमने प्रेशर कुकर में डाल के बॉइल किया है, और 3 आलू यहाँ पे हमने बॉइल कर लिए हैं, जिसको हम एक बाउल में डाल लेंगे। और इसको हम मैश कर लेंगे। और जैसे कि आप देख रहे हो, हमने आलू और मूंग की दाल को अच्छे से मैश कर लिया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे 2 चम्मच कॉर्नफ्लावर, सो दैट ये अच्छे से बन जाए। और इसके साथ ही हम इसमें ऐड करेंगे नमक और काली मिर्च और इसको दोबारा से अच्छे से बिल्कुल मिक्स कर लेंगे। टिक्की बनाने के लिए हमने पैन गैस पे रख दिया है, जिसमें हम ऐड करेंगे 2 चम्मच ऑयल और गैस को थोड़ा तेज़ कर लेंगे। और आलू और मूंग की दाल की हमने इस तरीके से टिक्की बना ली है।
अब हम टिक्की को दूसरी तरफ से भी पका लेते हैं। हमारी टिक्की ऑलमोस्ट अब बन चुकी हैं। टिक्की हमारी देखने में कितनी अच्छी लग रही है। अब हम इसको प्लेट पे निकाल लेंगे। तो जितने भी लोग वेजिटेरियन हैं, ये डिश स्पेशली थी उन सभी के लिए। अब बहाना मत बनाना कि हमारे पास कुछ ऑप्शन नहीं है प्रोटीन का। ये टिक्की प्रोटीन एंड कार्ब का एक बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन है, जो कि बनाने में थोड़ी सी मेहनत लगेगी, बट अगर कुछ टेस्टी ब्रेकफास्ट करना है तो थोड़ी मेहनत तो बनती है। तो ये रही हमारी तीनों ब्रेकफास्ट रेसिपीज, एग टोस्ट, कॉफी प्रोटीन विद राइस केक एंड दाल टिक्की। आप तीनों एक एक बार ट्राई जरूर करना, मुझे कमेंट बॉक्स में लिखना कि आपको तीनों में से सबसे टेस्टी कौन सी लगी। पर न्यूट्रिशन वैल्यू सबकी ही बहुत अच्छी है, आप अपने ब्रेकफास्ट में इंक्लूड कर सकते हो। मसल बिल्डिंग प्रोसेस आपका इजी हो जाएगा, साथ में ये बहुत ही खाने में आपको डिलीशियस लगेगी। आपका जो भी बोरिंग ब्रेकफास्ट है, आप उसको इससे रिप्लेस कर सकते हो। मैं आप सभी लोगों के लिए यूजफुल कंटेंट बनाता रहूंगा, आपके समक्ष आता रहूंगा। टिल देन गुड बाय, नमस्ते।